दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। शिक्षा का अस्तित्व क्या है, 2014 के पहले क्या था और 2023 में क्या है, तमाम लोग हैं इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ है। सर ये बताइए कि शिक्षा का अस्तित्व कितना भी सही बचा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि ये देश विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है। एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा शिक्षा के बारे में। अगर हम शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से करें तो एक तरफ अध्यापक से कहा जाता है कि बच्चों को आप पढ़ाइए, उनको घर से पकड़ के लाइए, बुला के लाइए, किसी भी तरह से ले आइए, लेकिन उनको आप क्लास में फेल नहीं करेंगे। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो बच्चा अगर पास होने लायक नहीं है या विद्यालय भी अगर रेगुलर आने में आनाकानी कर रहा है और ऐसे बच्चे को भी अगर आगे कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है और यह शिक्षा के स्तर को कहाँ ले जाएगा, तो मैं तो यह कह रहा हूँ शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विभिन्न बिंदुओं को लेकर बच्चे आए दिन धरना पे बैठ रहे हैं। शिक्षा का भी व्यापारीकरण हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगहों पे जहाँ बहुत कम फीस में बच्चे पढ़ लेते थे, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो पाती थी, ग्रामीण अंचल से आके बच्चे पढ़ते थे, अब अगर इसका भी व्यापारीकरण हो रहा है, पेड क्लासेस चल रही हैं, तो ये बताइए क्या आम गरीब बच्चा उस तरह के शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा जिसका वो हकदार है। किस तरीके से आप लोग को लगता है कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से कहती है, कह रही है कि विश्व गुरु बनने की बात, शिक्षा का स्तर क्या है इसमें? पहले तो शिक्षा के स्तर की बात करेंगे तो पूरी तरीके से ये शिक्षा एकदम व्यावसायिक हो गई है। शिक्षा आत्मज्ञान के लिए नहीं है, समाज के ज्ञान के लिए नहीं है और राष्ट्र की समृद्धि के लिए नहीं है। आज जो शिक्षा है ये गिरवी हो गई है, कुछ पूंजीपतियों के हाथ की गिरवी हो गई है और उनके अनुसार ये शिक्षा का व्यापार हो गया है। दूसरी चीज़ जो विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, तो विश्वगुरु कैसे भारत बनेगा? जैसे कि इस भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को विश्वगुरु होने का गौरव बताता है, तो उसकी शिक्षा के बारे में पहले प्रश्न चिन्ह है। इस सरकार के शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, इस सरकार के गृह मंत्री के शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। तो जब ऐसे अनपढ़ और गंवार लोग जब देश के बागडोर को संभालेंगे तो निश्चित रूप से ये विश्व का विश्व गुरु बनेगा कि अपने पूरे विश्व में भारत का सर नीचा करेगा, ये तो समय बताएगा। ठीक है, आपको क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए एक बात बहुत अच्छा मोहन जी ने कही कि जब हमारे लीडर, हमारे नेता जो शीर्षस्थ पदों पे बैठे हैं, जब उनके शैक्षणिक स्तर का ही किसी को ज्ञान नहीं है और उनकी शिक्षा क्या है, वो कैसे आगे शिक्षा को बढ़ाएंगे? ये सच्चाई है, ये प्रमाणित करता है कि जो शिक्षित नहीं है, चाहे वो गृहमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों, ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके शिक्षा का स्तर नीचे है। तो होता क्या है कि जो जिस स्तर का होता है वैसे ही लोगों को आगे बढ़ाता है और ऐसे लोगों का जमघट जमावड़ा बनाता है। इसी का प्रमाण है जो धरातल पर उतर रहा है कि 2014 में जो शिक्षा का बजट था, उत्तरोत्तर उसमें कमी हो रही है। इस साल भी शिक्षा के बजट में लगभग 30% कमी की गई है। तो जब शिक्षा का बजट आप कम कर देंगे तो शिक्षा कैसे मिलेगी? मैं आपको बता दूं कि यही विश्वविद्यालय में फीस 5 गुना बढ़ा दी गई। जब शिक्षा के लिए आप सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? शिक्षा से ही विश्वगुरु नहीं बनेगा भारत। विश्वगुरु के रूप में हमारे पास नैतिकता होनी चाहिए। ये सरकार भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है लेकिन जांच नहीं कराएगी। इसी वजह से इंटरनेशनल एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भारत के खिलाफ आ रही हैं कि नहीं, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ ऑटोक्रेसी आ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सिर्फ वोट पाने की बात हो रही है। तो ये जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। भारत विश्वगुरु इसलिए था और है और बनेगा
कि भारत पूरे विश्व को मानवता का प्रमाण देगा, मानवता में प्रणेता बनेगा, धर्म में प्रणेता था, प्रणेता है, रहेगा, लेकिन उस धर्म की क्षति करने वाली सरकारें कहाँ से विश्वगुरु बना पाएंगी। मंदिरों को तोड़ा जाएगा, धर्म के जितने स्थल हैं वहाँ से सरकार उगाही करेगी, धर्मस्थलों को सरकार कमाई का जरिया बना लेगी, तो हम शिक्षा में और धर्म में आगे प्रणेता बन पाएंगे। इसी तरीके से जो शिक्षा के लिए जो बजट था उसको कम किया गया, फीस को बढ़ाया गया। अभी तक क्या था कि आज़ादी से जो चीज़ें प्रक्रियाएं बढ़ी आगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो सरकारें ये मानती थी कि शिक्षा हमारा इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमारे समाज में शिक्षा का विकास होगा और हमारे बच्चे शिक्षित तो होंगे, देश को आगे ले जाएंगे। इसी का परिणाम है कि जो भारत बहुत अशिक्षित था, आज पूरे विश्व के बड़े बड़े संस्थानों के जो मुखिया हैं वो भारत से निकले इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वैज्ञानिक टेंपर को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया था कि वैज्ञानिक टेंपर होना चाहिए, आप वैज्ञानिक सोच को डेवलप करो और शिक्षा को आगे ले जाओ, आज ये सरकार उस टेंपर को ही ध्वस्त करने में लगी है। वो सिर्फ इसमें लगी है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, पैसा दो। परसेप्शन बदल गया है, जहाँ आप बड़े बड़े संस्थान जो पूरे विश्व स्तर के हैं वहाँ प्रमुख पदों पे भारत के इंजीनियर वैज्ञानिक बैठे हैं। वो इस वजह से क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षा में अपना योगदान दिया, इन्वेस्टमेंट किया और उससे शिक्षा का स्तर बढ़ा और लोग जाके वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा में लगातार गिरावट कर रही है? ये शिक्षा का बजट कम हो रहा है। ये सरकार के वरिष्ठ मंत्री, मतलब उस सरकार के दोयम दर्जे के मंत्री, उनके स्तर को, उनका स्तर ही बताता है कि शिक्षा का कौन सा स्तर पे ले जाके भारत को खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही कि 12वीं पास करने के बाद जब इंटर में बच्चा पहुंचेगा तो उसको ये चीज़ दिया जाएगा। इससे आपको नहीं लगता है कि ये कितना शिक्षित हैं और कितना शिक्षा को डेवलप करना चाहते हैं? तो शिक्षा के प्रति इनका कोई अभी रुचि नहीं है। शिक्षा ये कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सीमित करना चाहते हैं। आप इस देख रहे हैं, भारत की सबसे मतलब आइकॉन, जहां पर हम लोग खड़े हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इस संस्था का सृजन जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया कि पूरा विश्व का गरीब से गरीब तबका आके यहां शिक्षा ग्रहण कर सके, और जब वो शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आज ये इस तरह स्थिति है कि यहाँ का फीस मतलब 100 गुना 200 गुना बढ़ा दिया गया है और शिक्षा पूरी तरीके से व्यावसायिक स्वरूप लेता चला जा रहा है, और ये आने वाले समय के लिए और भारत के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि गरीब और गरीब बनकर रहे, हमारे समकक्ष न खड़ा हो और गुलामी मानसिकता का व्यापक प्रसार किया जा रहा है, जिससे समाज गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक है। ठीक है, कहीं ये देश गुलामी में तो जकड़ नहीं जाएगा जब शिक्षा का स्तर गिरेगा तो? देखिए, अंग्रेज़ों ने यही किया था कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली को पहले ध्वस्त किया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि यहाँ जो पहले की शिक्षा चली आ रही थी, जिसके आधार पे हमारे देश के ऋषि मुनि खगोल की गणना किया करते थे, खगोल शास्त्री थे। अब जरा सोचिए कि जंतर मंतर पे बना हुआ जो यंत्र है आपके दूसरे और इलाहाबाद में और जगहों पर जो यंत्र लगे हुए हैं, वो हमारे भारतीय शिक्षा के उदाहरण है कि हमारा देश कितना आगे था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। आज जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है कि जो सक्षम है वो तो पैसा दे के, फीस दे के पढ़ पाएंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास वो संसाधन ही नहीं बचेगा कि वो उच्च शिक्षा में जा सकें। यह देश को पुनः गुलामी की तरफ ही ले जाएगा। आज ये मीठा जहर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये आम जनता के लिए कलंक बनेगा। ठीक है,
क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा का अगर स्तर बढ़ाने की बात है तो शैक्षणिक गोष्ठियों को भी प्रमुखता देनी चाहिए। अचानक मुझे याद आया, यहाँ एक गोष्ठी में हम आए थे, शैक्षणिक गोष्ठियों के लिए जो महामना की इस बगिया में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई सारे ऑडिटोरियम थे, पहले उसमें नॉमिनल चार्जेस लिए जाते थे। आज स्थिति ये है कि जो 3,000 से 5,000 चार्ज होता था, आज शैक्षणिक गोष्ठियों के लिए भी 25,000 से 30,000 रुपए देना पड़ रहा है। मतलब क्या है? सरकार और इन संस्थानों में जो मुखिया बैठे हैं उनकी कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि ऐसी गोष्ठियों को इस कदर महंगे कर दो कि कोई गोष्ठियाँ ही ना हो, कोई चर्चा ही ना हो। जब शैक्षणिक गोष्ठियाँ नहीं होंगी, शैक्षणिक क्लासेस नहीं होंगी, तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? आप इस बात को बताइए। सरकार कह रही है कि नहीं कमाओ, प्राइवेट आदमी अपना विद्यालय खोलेगा, मेडिकल की सीट 50 लाख में बेचेगा, 1 करोड़ में बेचेगा, गरीब आदमी जाएगा क्या? तो क्या सिर्फ समाज के एक अमीर तबके के लिए जब शिक्षा रह जाएगी तो जो गरीब मजदूर किसान है उसके बच्चे जब शिक्षित नहीं होगी तो भारत कहाँ से विश्वगुरु बनेगा? आप इस बात को सोचिए। मैं तो BHU के जो कुलपति हैं, नई बहुरिया की तरह अपने चैम्बर और अपने आवास के अलावा कहीं किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते। मैं उनसे मांग करता हूं कि आप अगर आप सही कर रहे हैं तो आप मिलिए और सवालों के जवाब दीजिए। आप क्यों इन ऑडिटोरियम का किराया बढ़ा रहे हैं? एक दिन के लिए आपको आदमी 30,000 कहाँ से दे पाएगा? जब 30,000 वो देगा, फिर कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज थी, आप ये बताइए कि किस प्रकार वो आयोजन कर पाएंगे? मैं तो उनको एक सुझाव और भी देना चाहता हूँ कि अगर जो ऑडिटोरियम महीने में 50,000 में आप बुक करते हैं और एक बार बुक होता है पूरे महीने में, अगर उसको आप 5,000 10,000 करेंगे और 20 दिन बुक हुआ तो आप 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर मेंटेनेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि शिक्षा का संचार भी होगा, शैक्षणिक गोष्ठियों के लिए अवसर भी मिलेगा, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा और आपकी जो कमाई है और मेंटेनेंस चार्ज में भी सहूलियत होगी। और मैं तो ये मांग करता हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति, BHU के कुलपति से, कि शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सारे के सारे ऑडिटोरियम को निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे शिक्षा को लेकर। तो जिस तरीके से शिक्षा का एक बाजारीकरण हो रहा है उस पर सारे ये लोग अपना जवाब दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।